वहीं छत्तीसगढ़ मिक्स्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन के बैनर तले 40 सदस्यों की टीम मध्य प्रदेश में होने जा रही इंडियन ओपन एमएमए प्रतियोगिता में शिरकत करने रवाना हुई। मध्य प्रदेश में होने जा रही इंडियन ओपन एमएमए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ की टीम रवाना हो चुकी है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले भिलाई स्थित वॉरियर्स एकेडमी में पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की और अपना पसीना बहाया है और खुद को इस तरह अपने कोच के नेतृत्व में तैयार किया है कि इनके सामने किसी का टिकना नामुमकिन सा नजर आता है। इनके कोच ने भी खेल के बारीक से बारीक पहलुओं सहित कुछ खास दावपेच भी सिखाकर इन्हें पारंगत किया है, जिससे छत्तीसगढ़ की टीम को मेडल जीतने की पूरी आस है। यह प्रतियोगिता स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा 2 से 4 दिसंबर तक जबलपुर शहर में आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ की टीम में 32 खिलाड़ी, 3 कोच, 2 मैनेजर, 3 ऑफिशियल और 1 टीम डॉक्टर भी शामिल है। छत्तीसगढ़ एमएमए के अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया, यह दल भारत का सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों से विभोर है और इस दफा ओवरऑल की ट्रॉफी भी हमारे प्रदेश के नाम ही होगी। मध्य प्रदेश में होने वाली इस प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ टीम की चिकित्सा प्रमुख डॉक्टर दिव्या, चेयरमैन मेडिकल कमीशन एमएमए इंडिया ने बताया कि सभी खिलाड़ियों की फिटनेस तथा मेडिकल टेस्ट पूरी तरह से नॉर्मल हैं और सभी खिलाड़ी मानसिक तथा शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं और चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कारण यही है कि हमारी टीम अभी इंडिया में टॉप 5 लेवल में है। छत्तीसगढ़ की टीम, यहाँ के फाइटर्स इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, नेशनल के मेडलिस्ट हैं और अब हम प्रमोशनल के भी मेडलिस्ट हैं। अभी एमएमए संघा इवेंट से भी हमारे यहाँ के बच्चे मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल लेकर आए। तो ये बना के रखने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जो सारे फाइटर्स हैं अकेडमी के वो बहुत करते हैं। हमारी रेगुलर ट्रेनिंग जो चलती है उसके अलावा जब कभी भी कोई चैंपियनशिप अनाउंस होती है, जैसे कि अभी 2nd इंडियन ओपन चैंपियनशिप होने वाली है जबलपुर मध्य प्रदेश में, उसके लिए बच्चे और कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनका ट्रेनिंग सेशन भी बढ़ जाते हैं इवेंट के लिए, तो अभी लेट इवनिंग्स तक भी इनके ट्रेनिंग सेशन चलते हैं। कब से कब तक वहाँ होने वाली है टूर्नामेंट और अपने टीम में कितने लोग मेंबर हैं? इस बार शायद इंडिया में सबसे बड़ी टीम छत्तीसगढ़ की जाने वाली है। 36 फाइटर्स यहाँ से जाएंगे। चैंपियनशिप 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी और टीम यहाँ से 1 तारीख को नई रवाना हो रही है जबलपुर। मेडल की बहुत उम्मीद है और अब जो बच्चे पिछले महीने भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट होकर आए और अभी जो मेडल लेकर आए हैं उससे बाकी के फाइटर्स का भी बहुत मनोबल बढ़ गया है और इस बार हम लोग और ज़्यादा मेडल्स आने की उम्मीद कर रहे हैं। और इस चैम्पियनशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये यूथ कैटेगरी को भी लेके चल रहा है, साथ में तो छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, सीनियर फाइटर्स भी जा रहे हैं, हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट हमारे पास फाइटर्स जा रहे हैं छत्तीसगढ़ टीम से, तो मेडल के लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देखिए, आपने सही कहा कि फ़ाइटर की तैयारी मल्टीप्रॉन्ग लेवल पर होती है और हमारे फाइटर्स का इवेंट के साथ ही पहले से मेंटल मोटिवेशन भी हम शुरू कर देते हैं और सबसे अच्छी बात है हम किसी भी फाइटर को इंजरी के साथ गेम में नहीं उतारते। हमारे सारे जो 36 फाइटर्स जा रहे हैं वो सबके सब इंजरी फ्री हैं, तो ऑलरेडी वो थोड़े से मोटिवेटेड हैं। प्लस हम लोग उनको बूस्ट करते रहते हैं, देखिए रिजल्ट क्या आएगा वो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हमारे फाइटर्स जब केज के अंदर जाएँ तो वो बिल्कुल फ्री माइंड से जाएँ, जब वो केज से बाहर निकले तो वो ये सोच के निकले कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया। और यही हम अपने फाइटर को ट्रेन करते हैं कि जब आप केज से बाहर आए तो आप सेटिस्फाइड रहने चाहिए कि आपने अपना बेस्ट दिया, और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण होता है उनके लिए। फिलहाल छत्तीसगढ़ की टीम की तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि इस टीम के आगे किसी का भी टिकना नामुमकिन है। देखना होगा कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम अपने प्रदेश के लिए कितने मेडल जीतकर लाती है और छत्तीसगढ़ का नाम शिखर पर पहुंचा पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।